अब बात उत्तर प्रदेश की करते हैं, जहां इन दिनों मंगेश यादव नाम के एक आरोपी के एनकाउंटर पर जबरदस्त सियासत हो रही है। मंगेश यादव सुल्तानपुर में लूट कांड का आरोपी था, जिसे यूपी एटीएस ने मार गिराया। लेकिन विपक्ष और खास तौर पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव इस एनकाउंटर को फर्जी बता रहे हैं। इसे एनकाउंटर नहीं बल्कि हत्या करार दे रहे हैं। ऐसा पहली बार नहीं है जब यूपी में किसी एनकाउंटर पर सवाल उठे, उसे जाति धर्म का एंगल दिया गया। हर एनकाउंटर को यूपी की पुलिस, एसटीएफ और सरकार अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति बताकर जायज ठहराती है, तो विपक्ष इसे योगी सरकार की ठोको नीति करार देता है। इस बार भी सुल्तानपुर लूटकांड के आरोपी मंगेश यादव के एनकाउंटर को अखिलेश यादव बीजेपी सरकार पीडीए यानी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक विरोधी नीति का नतीजा ही बता रही है। अभी तक जितनी भी हत्याएं हुई हैं या एनकाउंटर हुए हैं, सबसे ज्यादा पीडीए परिवार के लोगों की हत्या की सरकार ने, और भाजपा ने तो इतने एनकाउंटर किए, उत्तर प्रदेश को फर्जी एनकाउंटर की राजधानी बना दी इन्होंने। तो ऐसे में अब यूपी पुलिस ने भी अखिलेश यादव के जवाब में सबूत पेश किया। ताजा सबूत सामने रखा उत्तर प्रदेश पुलिस ने। खुद डीजीपी प्रशांत कुमार ने एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और एसटीएफ चीफ अमिताभ यश समेत अपनी टीम के साथ मीडिया के सामने आए और सुल्तानपुर लूटकांड में मंगेश यादव की एक एक भूमिका का वीडियो सबूत जारी किया। यूपी पुलिस की तरफ से जारी वीडियो में लूटपाट की शिकार ज्वेलरी शॉप के अंदर अंकित, अरबाज, फुरकान और अनुज प्रताप सिंह के साथ मंगेश यादव भी दिखाई दे रहे हैं। यूपी पुलिस के मुताबिक लूट के लिए इस्तेमाल की गई बाइक भी मंगेश यादव की ही थी। ये बाइक जौनपुर से चोरी की गई थी, लेकिन इसे लेकर अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं। उनके मुताबिक पुलिस सिर्फ और सिर्फ झूठी कहानी बना रही है। अखिलेश यादव का दावा है कि लूट में जिस बाइक का इस्तेमाल हुआ, उसकी एफआईआर भी कई दिनों बाद ही लिखी गई। यूपी पुलिस के मुताबिक सुल्तानपुर लूट को विपिन सिंह लीड कर रहा था। लूट से पहले मास्टरमाइंड विपिन सिंह, सचिन, फुरकान और अरबाज ने रेकी की थी। इसका वीडियो भी पुलिस ने रिलीज किया था। मास्टरमाइंड विपिन सिंह रायबरेली में सरेंडर कर चुका है, लेकिन अखिलेश यादव यूपी की सरकार और पुलिस से पूछ रहे हैं कि जिस तरह से मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ, उसी तरह से मास्टरमाइंड विपिन सिंह का भी एनकाउंटर क्यों नहीं हुआ। क्या विपिन सिंह की जाति देखकर उन्हें सरेंडर की छूट दे दी गई? इस पर भी आज यूपी के डीजीपी ने सफाई दी है। हर एनकाउंटर की तरह मंगेश यादव के एनकाउंटर के भी दो पक्ष हैं। इनमें एक वर्जन अखिलेश यादव का है तो दूसरा वर्जन यूपी पुलिस का है। अखिलेश यादव का आरोप है कि यूपी में जाति देखकर एनकाउंटर हो रहा है। यूपी पुलिस का दावा है कि जाति से एनकाउंटर का कुछ लेना देना नहीं। अखिलेश ने कहा कि ज्यादातर पीडीए यानी कि पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक ही एनकाउंटर में टारगेट पर रहते हैं, इसको पूरी तरह से पुलिस खारिज कर रही है। अखिलेश यादव का आरोप है कि यूपी फर्जी एनकाउंटर की राजधानी बन चुकी है, तो पुलिस ने इसके जवाब में कहा कि उनके एक्शन पर किसी संवैधानिक संस्था ने अभी तक कोई उंगली नहीं उठाई है। पुलिस ने एनकाउंटर किया, लेकिन हमेशा की तरह मंगेश यादव के एनकाउंटर पर और जो संस्था है वो भी सवाल उठा रहे हैं। एनकाउंटर के लिए मशहूर या यूं कहिए कि बदनाम एसटीएफ एक बार फिर से कटघरे में है। अखिलेश यादव के आरोपों के मुताबिक एसटीएफ मंगेश यादव को रात के वक्त घर से उठाकर ले गई और उसको मार दिया। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि एसटीएफ ने चप्पल में ही मंगेश यादव का एनकाउंटर किया। अगर पुलिस वालों में दिमाग होता तो चप्पल में एनकाउंटर ना करते। सपा के मुखिया ने यह भी कहा कि लूट के मुख्य आरोपी सरगना विपिन सिंह का एनकाउंटर नहीं किया गया है। यह भी सवाल उठा है कि जिस तरह से तीन लोगों को एसटीएफ ने पैर में गोली मारी, तो फिर वही सलूक मंगेश यादव के साथ क्यों नहीं हुआ। सवाल सुल्तानपुर लूटकांड में इस्तेमाल बाइक पर भी है, जिसे 20 अगस्त को जौनपुर से चुराया गया था, लेकिन चोरी का मामला 28 अगस्त की लूटपाट के भी 8 दिन बाद दर्ज किया गया। वैसे मंगेश यादव का एनकाउंटर इकलौता मामला नहीं है जिस पर सवाल उठ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ऐसे कई और एनकाउंटर हो चुके हैं जिन पर पहले भी सवालिया निशान खड़ा किया गया है। सुल्तानपुर के ज्वेलरी शॉप में डकैती का आरोपी मंगेश यादव 5 सितंबर को पुलिस एनकाउंटर में मारा गया, तो झांसी में पिछले साल उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी और माफिया अतीक अहमद के बेटे असद के एनकाउंटर को लेकर के भी सवाल उठे थे। जिस जगह पर एनकाउंटर किया गया वो रास्ता आगे से बंद था। एसटीएफ ने कहा कि वो बाइक से भाग रहा था और पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें असद
मारा गया। कानपुर बिकरू कांड में पुलिस पार्टी पर फायरिंग के आरोपी विकास दुबे ने मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल मंदिर के सामने सरेंडर किया था। यहां से उसे यूपी लाया गया। कानपुर के पास विकास दुबे जिस कार में बैठा था वो पलट गई। विकास दुबे ने भागने का प्रयास किया और पुलिस की गोली से मारा गया। उस पर भी सवाल उठाए गए थे। योगी सरकार में अब तक 12,500 से ज्यादा एनकाउंटर हो चुके थे। इनमें 207 आरोपी मारे गए। अब इन आरोपियों की जाति धर्म का अंगणित भी देखिए। एनकाउंटर में मारे गए 207 आरोपियों में से 67 मुसलमान थे तो 140 हिंदू। अगर इनको जाति के हिसाब से देखें तो हिंदू आरोपियों में 20 ब्राह्मण थे, 18 राजपूत, 16 यादव, 17 जाट और गुजर, 17 अनुसूचित जाति के, 2 सिख और 8 अन्य ओबीसी, 42 ऐसे लोग थे जिनके नाम से उनकी जाति का पता नहीं लग पाया। किसी आरोपी के एनकाउंटर से आम लोग खुश होते हैं, उन्हें लगता है कि अपराधी को उसके किए की सजा तुरंत मिल गई। लेकिन ये कानून का राज नहीं है, क्योंकि अपराधी को सजा देना अदालतों का काम है, पुलिस का नहीं। एनकाउंटर पर राजनीति भी होती है, क्योंकि आरोपी की जाति वोट बैंक का जरिया बनती है। लेकिन सच ये है कि एनकाउंटर राज ना किसी प्रदेश के लिए ठीक है और ना ही देश के लिए। कई बार ऐसा भी हुआ है कि पुलिस को अदालत की लताड़ सुननी पड़ी है। तेलंगाना में ऐसा हुआ था जब बलात्कार के एक मामले के आरोपियों का एनकाउंटर किया गया था और फिर कोर्ट ने सारे पुलिस वालों को सजा सुनाई थी। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे देश में आतंकी कसाब को भी कानून के हिसाब से ही सजा मिली, वरना उसका गुनाह जितना संगीन था उसके हिसाब से उसे जीने का हक शायद एक दिन का भी और नहीं था।